मुझसे पूर्व जिनके उदात्त विचारों से आप लाभान्वित हो रहे थे, मेरे अत्यंत आदरणीय सम्माननीय श्रीमती जयसू जी, उपस्थित संन्यासीगण, विद्वज्जनों, धर्म प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी महानुभावों, श्रद्धामयी मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, समाज के सभी पदाधिकारीगण, आप लोग अभी स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में कुछ बातें सुन रहे थे। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे हैं जो स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में जानते हैं? ये चित्र लग रहा है सामने स्वामी श्रद्धानंद जी का, इनके बारे में जानते हैं कुछ? चलिए मैं थोड़ी सी जानकारी इनके दे देता हूँ, इनके बारे में जानना चाहिए। देखो, बीच में चित्र लगा है स्वामी दयानंद जी महाराज का और इधर लगा है गुरु गिरिजानंद जी का। पंजाब में ये दोनों विभूतियों का जन्म हुआ, जो इधर और इधर है, और जो बीच की विभूति है का जन्म गुजरात में हुआ। ये गुरुजी थे इनके और ये गुरुजी थे इनके। गुरु गिरिजानंद जी सूरदास थे, उनको दिखाई नहीं पड़ता था, प्रज्ञा चक्षु थे। बचपन में ही चेचक होने के कारण उनके नेत्रों की रोशनी चली गई थी। माता पिता का देहांत हो गया था, भाई और भाभी के साथ में कुछ अनबन होने से घर छोड़ दिया। हरिद्वार में जाकर के ईश्वर की उपासना की, साधना की, और ठीक चल रहा कभी कभी और शास्त्रों का अध्ययन किया, विशेष रूप से व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया। अंग्रेजी में आप ग्रामर पढ़ते हो ना, किसी भी भाषा को जानने के लिए उस भाषा का व्याकरण सबसे जरूरी है पढ़ना, और जिसको वो अच्छे से आता है उस भाषा पर अधिकार कर लेता है। संस्कृत बहुत सरल भाषा भी है और बहुत बड़ी भाषा भी है। सब भाषाओं की जननी है संस्कृत, संस्कृत से ही सब भाषाएं निकली है, संस्कृत के ही शब्दों से बने हैं सारे शब्द। संस्कृत में पितृ शब्द बोलते हैं, पितृ, पितृ का मतलब होता है पिता, और मातृ का मतलब होता है माता। यही पितृ शब्द थोड़ा आगे चला, यहां से थोड़ा आगे ईरान की तरफ, ईरान की तरफ, अरब की तरफ, जो गल्फ कंट्रीज है उनकी तरफ चला, तो वो पिलर और मादर बन गया, और वहां से वो यूरोप की तरफ चला तो वही मादर और फादर बन गया, मदर और फादर, फादर बन गया। ऐसे बदलते बदलते सारे बन गए। हम लोग एक वो बोलते हैं ग्रास, ग्रास माने क्या होता है? घास, और संस्कृत में बोलते हैं घास, तो घास से ग्रास बनने में कितनी दूरी है? जरा सी दूरी है। ऐसे ही बदलते बदलते मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, सब भाषाओं की जननी है संस्कृत। उसके व्याकरण को जानना बहुत बड़ा कार्य है। वो गुरु गिरिजानंद जी पढ़ते थे, पढ़ाते थे, मथुरा में एक कुटिया बना करके रहते थे। स्वामी दयानंद जी एक सच्चे गुरु की खोज में इनके पास पहुंचे। घर से निकले थे भगवान को पाने के लिए। स्वामी दयानंद जी घर से अपने निकले थे कि मुझे भगवान को पाना है, मुझे शिव को पाना है, मुझे मुक्ति को पाना है। और जब इनके पास गए तो इन्होंने कहा, देखो तुम्हें भगवान को पाना ये सही बात है, तुम्हें मुक्ति को पाना ये सही बात है, लेकिन पहले तुम ज्ञान प्राप्त करो। इस दुनिया में हर कुछ पाया जा सकता है अगर आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया। आप तो उस काम में लगे ही, लेकिन आप लगे हो केवल शिक्षा प्राप्त करने। दो चीज होती है, एक होती है शिक्षा, एक होती है विद्या। इसको हम विद्या और अविद्या कहते हैं, मैं इसको शिक्षा और विद्या कह देता हूं। शिक्षा वो होती है जो बाहर से भीतर को जाती है। किताब में लिखी हुई है, आपने भीतर डाली। आपके प्रोफेसर ने बोला, आपने भीतर डाली। आपने किताब में से नोट तैयार किए, भीतर डाल दिए। बाहर से भीतर को जो जाती है इसको बोलते हैं शिक्षा, और जो भीतर से निकलती है उसको बोलते हैं विद्या, जो भीतर से बाहर को आती है। जब आप साधना करते हैं, जब आप ईश्वर की उपासना करते हैं, जब आप भगवान की भक्ति करते हैं, जब आप योगाभ्यास करते हैं, जब आप प्राणायाम करते हैं, जब आप समाधि की स्थिति में पहुंचते हैं, तो आपको जो अपने होने का एहसास होता है
आत्मज्ञान होता है जिससे उसको जाना जाए, परमेश्वर को जाना जाए, वो है विद्या। इसको परा और अपरा विद्या के नाम से भी कहते हैं। चलो खैर, तो उन्होंने कहा कि पहले भी शिक्षा